नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जरूर जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली जाकर वो पीएम मोदी से मुलाकात नहीं करेंगे, ये खबरें अभी सामने आई हैं। और कैबिनेट एक्सटेंशन की जो बातें कही जा रही थी जिस तरह से, तो जेडीयू ने इसे नकार दिया है और कहा है कि महज ये अटकलबाजी है। लेकिन कैबिनेट एक्सटेंशन की चर्चा है और जोर शोर से चर्चा है। इसकी चर्चा यूं ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अगर सांसद और बिहार प्रदेश अध्यक्ष की बात करें जो रेस में शामिल थे, वो रेस से पीछे हट गए। जी हाँ, उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो 2022 तक, वो अभी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और 2022 तक उनको ये जिम्मेवारी निभानी है। ऐसी बातें करते नजर आ रहे हैं संजय जायसवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जो आपको बताएं कि रेस में शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो एक्सटेंशन होने जा रहा है, हालांकि जेडीयू इस बात को अफवाह करार दे रही है, लेकिन ये बात पुख्ता है कि कैबिनेट का एक्सटेंशन इस महीने के अंत तक होने जा रहा है और जेडीयू के नेता भी इसमें शामिल होने वाले हैं। लेकिन हो सकता है बात बनी ना बनी हो, ये उनका मामला है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये साफ हो गया है अब कि संजय जायसवाल मंत्री नहीं बनेंगे केंद्र में, और अब सुशील कुमार मोदी, जिनका नाम तेजी से तैर रहा है बिहार की फिजा में कि उनका मंत्री बनना लगभग तय है, तो अब ये मानकर चलिए आप कि सुशील कुमार मोदी है जो सीनियर मोदी यानी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। ये बात पुख्ता तौर पर तय हो गई है। तो आप संजय जायसवाल का बयान सुनिए, संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बिहार में होने वाले कार्यों को देखती है और हम लोग वही करते हैं। भाजपा में सभी के दायित्व बटे हुए, जिसको जो दायित्व मिलता है वो अपना काम करता है। बिहार में मैं 2022 तक इस प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। तो सुना आपने कि संजय जायसवाल का साफ साफ कहना है कि उनका ये साफ कहना है कि वो फिलहाल बिहार में प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल रहे हैं और 2022 तक वह बिहार प्रदेश के नेतृत्व की जिम्मेवारी संभालने वाले हैं। तो उनकी बातों से समझा जा सकता है, संजय जायसवाल ने कहा है कि पार्टी में जो जिम्मेदारी मिलती है उसका मैं निर्वहन करता हूँ, यानी 2022 तक वो बता रहे हैं कि उन्हें अध्यक्ष पद संभालने का जिम्मा मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि संजय जायसवाल कहीं ना कहीं अब जो है जिस रेस में शामिल थे, जो मंत्री पद की रेस में शामिल थे, अब वो पीछे हटते दिख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि 2022 तक उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालना है, वो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आपको बताया कि संजय जायसवाल जो है जिस तरह से दावेदार थे, बिहार में संजय जायसवाल के नेतृत्व में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और जेडीयू को पीछे छोड़ दिया था। तो संजय जायसवाल की ये चर्चा जोर पर थी कि संजय जायसवाल को भी इसका जो गिफ्ट मिल सकता है, केंद्र में उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये चर्चा महज अटकल ही साबित हो रही है, क्योंकि संजय जायसवाल खुद इससे पीछे हटते नजर आ रहे हैं। तो अब सुशील मोदी, जिनका सबसे ज़्यादा दावेदारी मजबूत थी, क्योंकि सुशील मोदी बिहार में डिप्टी सीएम थे, बतौर उन्होंने 15 सालों तक नीतीश कुमार का साथ निभाया और डिप्टी सीएम की इतनी लंबी भूमिका के बाद उन्हें अचानक केंद्र में भेज दिया गया था, तभी से ये चर्चा थी कि सुशील मोदी कैबिनेट एक्सटेंशन में बनेंगे, मोदी कैबिनेट का हिस्सा। तो अब सुशील मोदी के नाम पर मुहर लगभग लग गई है और संजय जायसवाल ने ही ये मुहर लगा दिया है कि सुशील मोदी ही कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का। उसके पहले नीतीश कैबिनेट का हिस्सा थे और अब सीधे वो केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे और उन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। तो ये बात अब लगभग पुष्ट हो चली है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।